हे गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। और मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए मोहित तापड़िया। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे एक टॉपिक, हमारे एक चैप्टर जो हमने पहले स्टार्ट किया था। और मैंने कहा था बहुत ही मजेदार चैप्टर, बहुत ही लंबे लंबे सम से, बट बहुत मस्त, बहुत मस्त, बहुत मस्त है, राइट? सो आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, साथ साथ में मैंने फाइनल अकाउंट्स का एक इलस्ट्रेशन भी आपको कराया था। आज उसी सफर को हम जारी रख रहे हैं, उसी जर्नी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड और थर्ड। देखेंगे, और भी टाइम मिला तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए और बाकी सारे इलस्ट्रेशन भी लेके आऊंगा, साथ साथ में एक्सरसाइज भी मैं सॉल्व करूंगा। बट फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे आज इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड और थर्ड से। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं कुछ इलस्ट्रेशन करवा के छोड़ दूंगा, फिर मैं आप लोगों का वेट करूंगा कि आप में से किसको एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। उन क्वेश्चंस के डाउट्स का आप खाली जिक्र करिए कमेंट सेक्शन में, और आपका भाई देखे आपके लिए तैयार हो जाएगा अगला वीडियो लेके, राइट? सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जाके कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि भैया जी ये वाला सम खाली करा दीजिए, या प्लीज ये वाला सम हमें नहीं आया, इसमें ये डाउट, ये सम हो जाए तो मजा आ जाए, राइट? सो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे कमेंट में दिए हुए क्वेश्चंस को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशंस के साथ आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है बच्चा? सो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड के साथ में। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, यहां आपको दिखेगा थोड़ा कम, स्क्रीन छोटी होती है मोबाइल की आपकी, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि प्लीज 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 आप अपने टेक्स्ट बुक को साथ में लेके बैठिए, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर भी मैं कोशिश करके इसको बीच में जूम करता हूँ, जिससे कि शायद आपको थोड़ा अच्छे से दिखने लग जाए, ठीक है? सो मैं इसको बीच में थोड़ा सा जूम करूंगा, जिससे मैं शायद आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये बना पाऊं। चलिए, ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसको बड़ा किया है, चेक करिए भैया आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो ये हम इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड यहाँ पे करने वाले, ठीक है बच्चा? इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड में हमें कहा गया है कि हमें स्टार्ट कर रहा है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/2017 ऑफ जय एंड विजय। हम जय और विजय के ट्रायल बैलेंस की बात करने वाले, उसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। फिर हमें कहा गया है कि उनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पे ध्यान देना। हमें बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है बच्चा, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बट अगर उसके एडजस्टमेंट होगी तो ही, अगर एडजस्टमेंट होंगे तो ही बनाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाए नहीं। तो अगर क्वेश्चन में भी दे रखा है आपको कि भैया रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बना दीजिए, जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है उसको आप स्टार्ट करिए, और उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट हमें देंगे, उसे हम सॉल्व करेंगे हमारे सम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? चलिए, तो हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, हमें बनाना है पीएनएल अकाउंट, हमें बनाना है करंट अकाउंट, और हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए वो सारे डब्बे तैयार कर दिए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। मैं हमेशा से एक बात कहूंगा कि भैया मेरा बार भी हो गया, आपका बाकी है। सो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी अकाउंट बनाओगे परफेक्ट प्रेजेंटेशन के साथ बनाओगे, मतलब आप पूरा लिखोगे रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ जय एंड विजय एज ऑन 31/3/2017, वैसे ही पीएनएल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ जय एंड विजय एज ऑन 31/3/2017, आपको परफेक्टली लिखना है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट सब कुछ अच्छे से बनाना है, क्योंकि आपको 12th देना है, आपका बोर्ड अभी पेंडिंग है, राइट बच्चा? सो प्लीज मेक श्योर यू मेक बेस्ट प्रेजेंटेशन, राइट? आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से रखते रहिए, राइट? चलिए, सो हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक के साथ में, हम स्टार्ट करेंगे हमारे इलस्ट्रेशन के साथ में। हमारा बेसिक टॉपिक हमें कहाँ लेके जा रहा है वो हम देखते हैं। चलिए, सो मैं चाहूंगा आप सबका ध्यान यहाँ पे हो, और आप सबके लिए मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा बड़ा किया है, जिससे मैं आपके एडजस्टमेंट्स को आपके सामने क्लियरली प्रेजेंट कर सकूं। सो मैं चाहूंगा सब लोग यहाँ देख लीजिए, आपके एडजस्टमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। पहला एडजस्टमेंट हमें दे रखा है, मैंने कहा था हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो भैया ओपनिंग बैलेंसेस लिख दीजिए, अगर कुछ दे रखा हो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का, तो यहाँ पे हमें सिर्फ करंट अकाउंट बनाने को बोला है, तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस में लिखता हूँ 5000 है और 27,300 है, मेरे पास दो बैलेंसेस दे रखे करंट अकाउंट के। बट प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बैलेंसेस, सॉरी, आज एक 20,000 है, एक 5,000 है, 27,000 वाला क्लोजिंग स्टॉक का था। सो एक बैलेंस क्रेडिट में, एक बैलेंस डेबिट में, तो जो जहां पे उसको वहीं पे लिखना। सो हमारे पार्टनर का नाम है जय विजय, यहाँ मैंने लिखा जय, यहाँ लिखा विजय, यहाँ लिखा जय, यहाँ लिखा विजय। अब किसका है भैया क्रेडिट में? जय का है क्रेडिट में 20,000, तो जय का क्रेडिट में लिखिए 20,000, और दूसरा मिस्टर विजय का है डेबिट में 5,000, तो मिस्टर विजय का डेबिट में लिखिए 5,000। दोनों होंगे हमारे बैलेंस ही, एक पॉजिटिव बैलेंस है, एक नेगेटिव बैलेंस है, जो डेबिट में है वो नेगेटिव बैलेंस है और जो क्रेडिट में है वो पॉजिटिव बैलेंस है। सो आपको बैलेंस लिखने की पहले से
ध्यान रखना, करंट अकाउंट होगा डेबिट क्रेडिट चेक कर लेना, कैपिटल अकाउंट होगा तो भैया चेक करने की जरूरत नहीं, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में होता है, डोंट वरी राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हमारे एडजस्टमेंट के साथ में। मेरा सबसे पहला एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200, हमने इंश्योरेंस पे किया है बट वो प्रीपेड है, इस साल का नहीं है। चलिए क्वेश्चन में ढूंढते हैं, क्वेश्चन में ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है भैया, इंश्योरेंस प्रीमियम है हमारा ₹1000। चलिए सो हम इंश्योरेंस प्रीमियम को हमें प्रीपेड करना है, प्रीपेड है मतलब 1000 में से थोड़ा इंश्योरेंस हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, सो हमें उस इंश्योरेंस को माइनस करना पड़ेगा। सो प्रीपेड इंश्योरेंस सबसे पहले आप देखेंगे बैलेंस शीट में हमारे एक्सपेंस, सॉरी पीएनएल अकाउंट में हमारे एक्सपेंस है 1000। सो हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है 1000, जिसमें से प्रीपेड है 200, सो नेट हमारा एक्सपेंस हो गया इस साल का सिर्फ 800। हमारा एक्सपेंस कितना है भैया 800, और हमने एडवांस में पे किया मतलब वो हमारा एसेट है, एसेट है तो बैलेंस शीट में आ जाएगा यहाँ पे नीचे की तरफ प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने प्रीपेड इंश्योरेंस किया है यहाँ पे, कितना किया है भैया 200, तो ₹200 का हमारा एसेट हो गया, दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है फाइन। चलिए सो ये हो गया मेरा एडजस्टमेंट नंबर वन, क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो टेक्स्ट बुक लेके बैठो यार, कम ऑन। नेक्स्ट वन, जय विड्रॉ गुड्स और ₹2000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, जय ने 2000 के कुछ विड्रॉ किए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब वो ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स हो गया तो भैया यहाँ लिख देंगे हम ड्राइंग्स में कितना विड्रॉ किया है जय ने, जय ने विड्रॉ किया है 2000 का, तो 2000 आ जाएगा जय के अकाउंट में डेबिट, मैंने कहा था माइनस हो तो डेबिट प्लस हो तो क्रेडिट, और जय लेके गया गुड्स, गुड्स लेके गया मतलब हमें ट्रेडिंग अकाउंट में इफेक्ट देना पड़ेगा, तो चलिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कितना है, सो हमारे पास बैलेंस था क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट का 30,900, सो ये हमने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट का हमारे पास बैलेंस है, और ये रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट है इसलिए ब्रैकेट में रिवाइज लिखना ना भूले। सो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है 30,900, और हमारा पार्टनर गुड्स घर पे लेके जा रहा है बच्चा, हमारा पार्टनर अगर गुड्स घर पे लेके जाएगा सो वो हो जाते हैं हमारे लिए ड्रॉइंग्स, और उसका दूसरा इफेक्ट आएगा वो हमारे परचेजेस पे से माइनस हो जाने चाहिए। सो चलिए भैया हमारे पास परचेजेस दिए हुए है नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, सो हम सीधा का सीधा चाहें तो उसको परचेज में से लेस करना हो, मतलब आप चाहो तो डेबिट में परचेज में से लेस करो, या आप चाहो तो उसको क्रेडिट में दिखा दो तो भी चलेगा, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे चलेगा। क्वेश्चन में अगर परचेज के बारे में हाँ या नेक्स्ट एडजस्टमेंट ही है सो हम यहाँ पे लिख देते एक बार के लिए, परचेज के एडजस्टमेंट है हमारे पास, सो हम लिख देंगे यहाँ पे ड्रॉइंग्स कितना है भैया, ड्रॉइंग्स हमारा 2000, वो एक बार मैंने लिख के छोड़ दिया, ऊपर परचेजेस आने वाले हैं, कुछ परचेजेस अनरिकॉर्डेड है वो आने वाले हैं इसलिए उनके लिए मैंने जगह छोड़ दी, टेंशन मत लेना परचेजेस आने वाले हैं डोंट वरी। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हमारे थर्ड एडजस्टमेंट पे, हमें कहा गया गुड्स ऑफ 4000 परचेज ऑन क्रेडिट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, चलिए भैया 4000 के परचेजेस को हमने रिकॉर्ड कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में, ठीक है, और परचेजेस रिकॉर्ड नहीं हुए मतलब भैया क्रेडिटर्स में भी एंट्री आनी चाहिए क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी भी होते हैं, परचेज की एंट्री क्या होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, मतलब लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा ₹4000। चलिए ढूंढते हैं भैया कहाँ है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से पहले हमें निकालना पड़ेगा हमारा क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है, हमारा क्रेडिटर्स का बैलेंस है 12000, सो हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर्स थे सर 12000 के, उसके अंदर भी हमारे कुछ अनरिकॉर्डेड परचेजेस है 4000, तो हमारे क्रेडिटर टोटल हो जाएंगे अब 16000 के, कितने हो गए भैया हमारे क्रेडिटर, हमारे क्रेडिटर हो गए 16000 के, 12000 थे 4000 अनरिकॉर्डेड है, मतलब मेरे टोटल क्रेडिटर्स हो जाते हैं 16000 के। इसके साथ साथ मेरा एडजस्टमेंट नंबर 3 भी खत्म हुआ राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4, राइट ऑफ 400 एज बैड डेट एंड प्रोवाइड 5% ऑन बैड डेट रिजर्व, चलिए भैया हमें 5% बैड डेट रिजर्व बनाना और ₹400 हमें बैड डेट देने हैं, पहले चेक करो भैया बैलेंस शीट में डेटर्स कितना है, बैलेंस शीट में डेटर्स है ₹18,400 का, ₹18,400 का, चलिए बैलेंस शीट में हम लिखना चालू करेंगे, सो हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास डेटर्स है ₹18,400 के, जिसमें से कुछ बैड डेट हो गया हमारा ₹400 का, तो हमारे पास डेटर्स बचे 18,000 के, जिसमें हमें उस पर बनाना है बैड डेट रिजर्व 5% के हिसाब से ₹900, और नेट 17,100 बाहर आ जाएगा, दिख रहा है कि मैं सामने आ रहा हूँ नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ राइट। सो हमने क्या किया 18,400 हमारे डेटर्स थे, उसमें से हमने बैड डेट माइनस किया ₹400, और हमारा बैड डेट रिजर्व बना लिया 5%, 18,000 का 5% ₹900, और नेट हमने बाहर निकाल दिया 17,100, और मैंने कहा था जब भी बैड डेट का पॉइंट आएगा तो हम पीएनएल में लिखते हैं ओ नो, क्या लिखेंगे बच्चा पीएनएल में ओ नो, चलो लिखो भैया पीएनएल में, सो हम करने वाले हैं बैड डेट ओल्ड प्लस बैड डेट न्यू प्लस बैड डेट रिजर्व न्यू
एंड माइनस बैड डेट रिजर्व ओल्ड, राइट बच्चा? हमें ये पूरा का पूरा लिखना है, बैड डेट ओल्ड प्लस बैड डेट न्यू प्लस बैड डेट रिजर्व न्यू माइनस बैड डेट रिजर्व ओल्ड। पहले न्यू वाले देख लो, नया बैड डेट है 400 रुपए लिख दिया, नया बैड डेट रिजर्व है 900 रुपए भैया वो भी लिख दिया। अब पुराना बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 1000 का, तो भैया वो लिख दो, और पुराना बैड डेट भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 200 रुपीज का, वो भी लिख दो। तो क्या करेंगे अब, पहले 3 को प्लस, मतलब 200 प्लस 400, 600 प्लस 900, 1500 माइनस 1000, सो नेट अमाउंट आपका आ जाएगा यहाँ पे 500 रुपए। सो हमेशा ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, जब भी बैड डेट का पॉइंट दिया हो आपको लिखना है ओ नो, क्या लिखोगे आप? ओ नो, बैड डेट ओल्ड प्लस बैड डेट न्यू प्लस बैड डेट रिजर्व न्यू माइनस बैड डेट रिजर्व ओल्ड। प्लीज मेक श्योर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? आगे बढ़ेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट नंबर 5, देयर इज नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। ओके, हमने पहले कुछ डिस्काउंट रिजर्व बना के रखा है, कितना बना के रखा है भैया? हमने बना के रखा 480 का। अब उस 480 के डिस्काउंट रिजर्व, सॉरी 380 का, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत नहीं मतलब भैया फायदा हो गया, फायदा हो गया मतलब पीएनएल में क्रेडिट कर दो। कितना क्रेडिट करेंगे? जितना डिस्काउंट रिजर्व था, तो डिस्काउंट रिजर्व हमने क्रेडिट कर दिया 380 रुपए, क्योंकि भैया अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। सो डिस्काउंट रिजर्व हमने कर दिया क्रेडिट 380 रुपीज का। उसके बाद में लास्ट एडजस्टमेंट्स और है, एक डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे 20% और फर्नीचर पे 5%। चलिए भैया लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए प्लांट एंड मशीनरी है कितनी, बैलेंस शीट में लिखेंगे हम। सो हम देखने वाले हैं, हमारे पास मशीन है 20,000 का, चलिए, और हमारे पास फर्नीचर है 5,000 का, चलिए ठीक है। तो भैया मशीन हम लिखेंगे सबसे पहले, हमारे पास मशीन है 20,000 की, उस पर डेप्री कितना लगाने को कहा गया क्वेश्चन में? 20%, तो माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हो जाएगा 4,000 और नेट अमाउंट बाहर आ जाएगा 16,000। वैसे ही हमें दे रखा फर्नीचर, फर्नीचर हमें दे रखा है 5,000 का, उस पर डेप्री लगाना है सिर्फ 5% बच्चा। सो डेप्री हो जाएगा 250 रुपए, 250, और नेट बाहर आ जाएगा 4750, ठीक है। चलिए ये दोनों डेप्रिसिएशन पीएनएल में भी आएंगे, तो पीएनएल पे हम लिख देते हैं, ये रहा हमारा पीएनएल अकाउंट। यहाँ हम लिखेंगे डेपरी, किस किस पे लगानी है भाई डेपरी? मशीन पे लगानी है 4,000 और फर्नीचर पे लगाना है 250, और नेट अमाउंट 4250 बाहर आ जाएगा। प्लीज आप पूरा लिखिएगा, एम और एफ मत लिखिएगा, मेक इट फुल। मशीनरी 4,000 एंड फर्नीचर 2,050, सॉरी 250 रुपीज। प्लीज अच्छे से पूरा लिखते रहिएगा, मेरे पास स्पेस शॉर्टेज इसलिए मुझे इनिशियल्स में लिखना पड़ रहा है, बट आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे एग्जाम से आपके, राइट बच्चा? सो इसके साथ साथ हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट समाप्त हुए। इन शॉर्ट हमारा पूरा का पूरा सम खत्म हो गया, बट फिर भी एक बार ऊपर वाले के लिए हम चाहें तो भैया हिडन एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। हिडन एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में? यस सर, पहला हिडन एडजस्टमेंट दे रखा है फैक्ट्री ऑन लीज। हमने 30,000 की बिल्डिंग को लीज पे ले रखा है, और लीज खत्म होने वाला 31/3/2021 को। हम बैठे हैं अभी 31/3/2017 में, राइट? लीज खत्म होने वाला 31/3/2021 को। तो चलिए भैया लीज कितने साल का आपको निकालना पड़ेगा? सो हमने देखा हमारा लीज है 5 साल का, मतलब हर साल का लीज रेंटल होगा 30,000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 6,000 रुपए। सो आपको हर साल 6,000 राइट ऑफ करना है। सो पहला आप इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आप लिखने वाले हैं लीज होल्ड फैक्ट्री, कितना है भैया फैक्ट्री 30,000 का, और माइनस इस साल कितना राइट ऑफ करना है 6,000 रुपये इस साल राइट ऑफ करेंगे, नेट लीज बचेगा हमारा 24,000, और ये जो 6,000 हमने राइट ऑफ किया है बच्चा, ये हो गया हमारा एक्सपेंस। सो आ जाएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर राइट ऑफ ऑफ लीज, कितना है भैया लीज के रिटर्न ऑफ हमारा वैल्यू 6,000 रुपए का, हमने लीज को राइट ऑफ किया है। सो प्लीज राइट ऑफ लीज आपको करना पड़ेगा, लीज को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा 6,000 से। दिस इज हिडन एडजस्टमेंट नंबर 1। और एक हिडन एडजस्टमेंट और है, और वो दे लिखा है लोन ऑफ पार्टनर्स विजय, और ये अमाउंट है लोन ऑफ पार्टनर्स विजय की क्रेडिट में, मतलब विजय ने हमें लोन दिया है। चलिए विजय ने कितना लोन दिया है भैया? विजय ने लोन दिया है 30,000 रुपए का, और हमें विजय को इंटरेस्ट देना है 30,000 रुपए पे। इंटरेस्ट कितना देना है वो जब भी नहीं कहा हो, हमें पता है कि पार्टनर्स लोन पे बाय डिफॉल्ट 6% देना पड़ता है। तो 30,000 का 6%, 6 3 18, 1,800 रुपए होता है, बट यहाँ पे 6 महीने का देना है आधा, मतलब हमें 900 रुपए का इंटरेस्ट देना है विजय को। तो चलिए मिस्टर विजय, हम आपको 900 रुपए का इंटरेस्ट देने वाले हैं। तो चलिए भैया विजय जी को 900 रुपए का इंटरेस्ट देना है। सो पहला इफेक्ट आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या नाम है भैया पार्टनर का? विजय। तो हम लिख देंगे विजय लोन, कितना है भैया लोन आपका? 30,000 का लोन है आपका,
प्लस आपका इंटरेस्ट कितना आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 900 रुपए का, आपका लोन हो गया 30,900। और ये इंटरेस्ट जो देना बाकी है वो हमारा एक्सपेंस है, सो इंटरेस्ट ऑन लोन कर देंगे हम, जो हमें देना बाकी पीएनएल अकाउंट में 900 रुपए भैया हमारा एक्सपेंस है, राइट। पीएनएल में हमने डेबिट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन 900 रुपए, और विजय के लोन 30,000 में 900 प्लस कर दिया तो विजय का लोन हो जाएगा 30,900। और इसके साथ साथ जहां तक मेरा नजर जा रहा है, हमारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया है, हिडन एडजस्टमेंट्स भी सारे खत्म हो गए हैं, और नीचे दिए हुए मेन एडजस्टमेंट्स भी सारे खत्म हो गए हैं। इसके साथ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 फिनिश। कॉपी पेस्ट आप करोगे, बाकी उठा उठा के लिखना है। कैपिटल का बैलेंस सेम टू सेम बैलेंस शीट में लिख दो, कैश का बैलेंस लिखना है आपको, करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना है, फिक्स डिपॉजिट लिखना है, डेटर्स वगैरह तो आ चुका है, तो जो नहीं आया है खाली उठा उठा के पटक दो सर, सब इजी है, बहुत इजी है। टोटल करना है, बैलेंस करना है, आपका काम तमाम हो जाएगा। आई एम वेरी वेरी श्योर आपको समझ में आ रहा है। और आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि मैं बहुत जल्द गुजरात बोर्ड वालों के लाइव बैचेस दे रहा हूँ, जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन, राइट। और बच्चे आ जाए हमारे चैनल पे तो हम फिर लाइव बैचेस लेना स्टार्ट करेंगे आपके लिए, हम लाइव आके पढ़ाएंगे गुजरात बोर्ड को। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस साल गुजरात बोर्ड के लिए बहुत टाइम बहुत डेडिकेशन दे रहा हूँ, सो आप भी थोड़ी सी मेरी मदद कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपके सारे फ्रेंड्स को पता चले हमारे चैनल के बारे में, कोशिश कीजिए कीजिए कि वो हमारे चैनल पे आए। मैं कोशिश करूंगा कि अगर थोड़े लोग बढ़ जाएंगे, थोड़ी हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी, तो मैं एक आध बार आपके पास संडे को पहले आके देखूंगा। अगर संडे को आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया ऑनलाइन बैचेस के ऊपर, आपको मजा आया लाइव पढ़ने में, तो सर फिर मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रोज आऊंगा यहाँ पे और आपको लाइव पढ़ाना भी स्टार्ट करूंगा। ये भी बहुत जल्द मैं करने वाला हूँ, बट फिलहाल के लिए रिकॉर्डेड से काम चलाइए। बट प्लीज अपने दोस्तों को जरूर बताइए, जितने जनों तक हमारी बात पहुंचेगी, जितने लोग हमारे फैमिली में जुड़ेंगे, उतना ज्यादा मजा मुझे आएगा और उतना ज्यादा मजा आपको भी आएगा, राइट बच्चा। तो चलिए ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड, पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन वैसे तो आपको विजिबल है जहां तक कि मुझे लग रहा है, हाँ भैया विजिबल है, ठीक है। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड आप लोग इसके बाद का आप खुद करेंगे, खाली उठा उठा के पटकना है। इलस्ट्रेशन इसलिए पूरे करवाने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज होगी तो मैं पूरा करवाऊंगा, डोंट वरी। इलस्ट्रेशन में ज्यादा टाइम दूंगा तो एक्सरसाइज रह जाएगी यार। चलिए सो फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलिए भैया आगे आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, वो भी मैंने आपके लिए पूरा तैयार करके रखा है, आपको कोई लोड लेना नहीं है। सो मैं चाहूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आपका ध्यान रहे, मैं आपके लिए थोड़ा सा पहले पेज बड़ा करता हूँ, मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। चलिए सो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमें पता चल रहा है कि हमारे पास दो पार्टनर्स है, यश और जश, क्या नाम है भैया, बढ़िया। और हमें कहा गया है उनके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि हमें कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, सो हमने एक बार हमारे हिसाब से हमने हमारी बुद्धि लगा के यहाँ पे बना दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे मैंने एक बार मेरी पूरी समझदारी यूज करके आपके साथ में पूरा का पूरा फॉर्मेट ट्रेडिंग कर दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है, पीएनएल अकाउंट बना दिया है, अप्रोप्रिएशन बना दिया है, कैपिटल अकाउंट बना दिया और बैलेंस शीट बना दी है। चलिए एज ऑलवेज मैं जैसे कि बोलता हूँ आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख लेते हैं पहले, कितना बैलेंस है भैया, यश का है 50,000, तो यश भैया आपका बैलेंस मैंने लिख दिया 50,000, और जश का है 40,000, जश भैया हमने आपका भी लिख दिया है 40,000। इसके साथ मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है। अब हमारा काम रहेगा पहले मेन एडजस्टमेंट, उसके बाद मीडियम एडजस्टमेंट्स, हिडन एडजस्टमेंट्स एक है दिख रहा है इन्वेस्टमेंट वाला ब्रैकेट, जहां दिखे ना भैया वहां पे कांड है। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कोई भी ब्रैकेट दिख रही है, मतलब समझ लेना कुछ इन्होंने छुपाया है हमसे और हमें ढूंढ के निकालना है, खोद के निकालना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारे बेसिक एडजस्टमेंट्स के साथ में। आपके सामने आपकी बुक होनी चाहिए अगर आपको ये क्वेश्चन छोटा दिख रहा हो तो। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ जिससे कुछ बच्चे जो एक बार में नहीं समझ पाते हैं उनको याद हो जाएगी, भैया किताब लेके बैठेंगे तो ज्यादा मजा आएगी पढ़ने में। ओके तो बच्चा लोग लेट्स स्टार्ट विद आवर जॉब राइट नाउ, हम अपना काम चालू करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड हम कर रहे हैं जिसके अंदर करीबन करीबन 9 एडजस्टमेंट्स है, माय गॉड बहुत ज्यादा है। एग्जाम में नॉर्मली इतने एडजस्टमेंट्स नहीं आते, 5-6 उनका स्टैंडर्ड होता है, सो इतना बड़ा क्वेश्चन, इतने एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, डोंट वरी। बट करेंगे हम सब कुछ क्योंकि हम सिर्फ 12th के लिए नहीं अपने फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत बेवकूफी वाली बात होती है अगर बच्चे ये समझते कि भैया हमें ये सम आ गया या ये हमने टॉपिक रट लिया, ये टॉपिक हमने सॉल्व कर लिया, मतलब हो गया। सर मेरा ये मानना है अकाउंट्स में डिलीट करवाने वाले, ओमिट करवाने वाले टीचर्स लल्लू, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। सर अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें फ्यूचर रेडी कर रहा है। सर हम कॉमर्स में है, कॉमर्स में अगर आप होके अगर आप चैप्टर में अकाउंट्स के चैप्टर्स को डिलीट कर रहे हो, ओमिट कर रहे हो, क्वेश्चंस को कट शॉर्ट कर रहे हो, टॉपिक्स को डिलीट करवा रहे हो,
तो सर आई डोंट फील दैट यू डिजर्व टू बी अ गुड टीचर, बुरा लगे तो लगा लो यार, लगे तो लगा लो, अकाउंट्स हमारे खून में होना चाहिए सर, हम कॉमर्स वाले बच्चे हैं, अकाउंट्स का कोई टॉपिक कोई सम हमारा बाकी नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट अ गुड टीचर मस्ट ट्राई कि बच्चों को दो तीन अलग अलग किताबों में से अकाउंट्स करवाए, कुछ नोट्स बना के अकाउंट्स करवाए, उसमें भी आप ये गिने चुने सम्स में भी अगर आप डिलीट करवा रहे हो, आप ओमिट करवा रहे हो, सर आई डोंट फील दैट यू डिजर्व टू बी नोन एज अ टीचर। भले ही बोर्ड एग्जाम कट करवा रहा, सर आप सब करवाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है, बच्चा दो चीज नहीं सीखेगा ना यार, भले एग्जाम्स वाले कर रहे हो बोर्ड वाले कर रहे हो, बट मेरे हिसाब से अकाउंट्स पे सिलेबस डिलीट करना नहीं चाहिए, भले कोई भी सब्जेक्ट्स में करो। इसलिए मैं चाहूंगा कि भले ही ये एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ नो एडजस्टमेंट्स नहीं आते हैं, तो भी हम सारे सम करेंगे, क्योंकि हम आज के लिए नहीं, हम कल के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, राइट बच्चा। सो सारे सम्स इंपॉर्टेंट है, सारे एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारे काम से। सबसे पहले एडजस्टमेंट तो बच्चों वाला दे दिया इन लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% फॉर 6 मंथ्स। अच्छा भैया, इन लोगों ने समझदारी दिखा दी है, ड्रॉइंग्स के लिए सीधा बोल ही दिया कि भैया ड्रॉइंग्स 6 महीने का चार्ज करो। चलिए भैया समझदारी है, खाली ये ड्रॉइंग्स पे लागू हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे लागू नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% देना है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 50,000 और 40,000, तो सॉरी कैपिटल था 50,000 40,000, तो उस पर इंटरेस्ट हो जाएगा 50,000 पे 2,500 और 40,000 पे 2,000, और ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, सो इसे हमें लिखना पड़ेगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। सो ये रहा मेरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन, यहाँ मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्या था भैया, एक पार्टनर का था 2,500, एक पार्टनर का था 2,000, दोनों मिला के बाहर आ गया 4,500, पार्टनर का नाम था यश और जश। ठीक है बच्चा, सो दो इफेक्ट हो गए, एडजस्टमेंट नंबर वन खत्म। थोड़ा सा वीडियो बड़ा तो होगा बट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 12,000, मैंने कहा था विच एवर इज लेस पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 12,000 है, तो हम 12,000 ही लिखेंगे क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है। चलिए सो हम लिखने वाले हैं यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है भैया, क्लोजिंग स्टॉक 12,000। क्लोजिंग स्टॉक की दो जगह इफेक्ट आती है, एक आती है बैलेंस शीट के अंदर और एक आती है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। चलिए तो फटाफट लिख देते हैं, हमें यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का एक्स्ट्रैक्ट नहीं दिया है, पूरा ही बनाना है। सो यहाँ मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है भैया, 12,000, और दूसरा मेरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का। सो यहाँ भी मैं लिखने वाला हूँ क्लोजिंग स्टॉक और वो आ जाएगा 12,000, राइट बच्चा। सो हमने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ गया 12,000, दोनों तरफ इफेक्ट दे दिया हमने। आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट नंबर थ्री, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस 500। चलिए भैया स्टेशनरी एक्सपेंसेस हमारे बाकी है 500 रुपए के, ढूंढो स्टेशनरी एक्सपेंस कितना है, हमें दे रखा स्टेशनरी एक्सपेंसेस 800 रुपए का। चलिए आते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर, हमें दे रखा स्टेशनरी एक्सपेंस 800, उसमें हमारा आउटस्टैंडिंग है 500, सो नेट हमारा बाहर आ जाएगा 1,300, और ये आउटस्टैंडिंग है मतलब बच्चा ये लायबिलिटी है, सो बैलेंस शीट में लिखना ना भूले, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस हम लिखेंगे यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितना है बच्चा, 500 रुपये हमने लिख दिया। इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर थ्री भी खत्म, बहुत ही बच्चों जैसे थे पहले वाले तीनों, बच्चों जैसे थे एकदम, छोटे छोटे लल्लू लल्लू एडजस्टमेंट्स थे फिर भी हमने किए हैं। आगे बढ़ेंगे प्रीपेड वेजेस, ओ हो, हमने एडवांस में वेजेस पे कर दिया है। सर वेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वेजेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए, वेजेस हम देखेंगे, वेजेस हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 2,000 का, तो हम यहाँ लिख देंगे हमारे पास वेजेस है 2,000 का, इसमें से माइनस प्रीपेड कितना है भैया, प्रीपेड 400, तो नेट अमाउंट आ जाएगा 1,600, और हमने एडवांस में कोई एक्सपेंस पे किया मतलब वो हमारा एसेट है। सो यस बैलेंस शीट में लिखेंगे हम लोग प्रीपेड वेजेस कितना है भैया, प्रीपेड वेजेस 400 रुपए, जो हमने बैलेंस शीट में लिख दिया है, राइट। एडवांस में अगर कोई एक्सपेंस पे करे दैट इज एसेट फॉर यू, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखिएगा। सो हमने लिख दिया प्रीपेड वेजेस, आ गया हमारा 400 रुपीज। नेक्स्ट वन, चार एडजस्टमेंट हो गए बल्ले बल्ले एकदम। फिफ्थ वन, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200 एंड डिस्काउंट इज रिसीवेबल ₹40। हमें रेंट एडवांस में मिला है, वापस से सेम इफेक्ट आएगा, कितना मिला एडवांस में 200 रुपए, तो भैया चेक करो हमारी बुक में रेंट कितना दिया हुआ है, हमारे बुक में रेंट 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 सॉरी एक सेकंड, एक बार ध्यान दीजिएगा, रेंट रिसीव्ड मतलब इनकम है, तो क्रेडिट साइड पे देखिएगा। सो हमें रेंट दे रखा है 600 रुपए, जिसमें से 200 एडवांस है मतलब इस साल का नहीं है, तो चलिए फिर भी करते हैं यहाँ पे समझदारी से, हमें दे रखा है रेंट कितना दे रखा है भैया, रेंट हमें 600, उसमें से हम माइनस कर देंगे प्री रिसीव्ड राइट कितना है 200, मतलब इस साल की हमारी इनकम है सिर्फ 400 रुपए की। और सर अगर कोई बंदा आपको एडवांस में रेंट दे रहा है,
मतलब वो आपके लिए लायबिलिटी है, वो आपके लिए कर्जा है, क्योंकि वो आपको रेंट पहले से दे चुका है, आपको उसको अब उसकी प्रॉपर्टी, उसके एसेट्स को आपको यूज करने देना पड़ेगा, वो आपकी लायबिलिटी है। सो रेंट रिसीव इन एडवांस इज ए लायबिलिटी, सो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे रेंट इन एडवांस या रेंट रिसीव इन एडवांस, जो आपको अच्छा लगे। कितना है भैया रेंट रिसीव इन एडवांस? 200 रुपए का, राइट बच्चा? और दूसरा एक और कुछ साथ में था, दैट इज डिस्काउंट इज रिसीवेबल, हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है भैया? 40 रुपए मिलने वाला, अभी तक मिला नहीं है। सो चेक करो भैया ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी क्रेडिट साइड में देखिए हमें डिस्काउंट कितना मिला है। डिस्काउंट मिला है 400 रुपए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमें डिस्काउंट रिसीव्ड है 400 प्लस रिसीवेबल है 40 रुपए, मतलब टोटल इस साल की हमारी इनकम हो गई 440। और डिस्काउंट मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला है, मतलब वो आपका एसेट है। सो आप बैलेंस शीट में लिखेंगे डिस्काउंट रिसीवेबल कितना मिलने वाला है भैया? 40 रुपए का, राइट? 40 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, मिला नहीं है, मतलब वो आपके लिए एसेट रहने वाला है। इसके साथ साथ मेरे 5 एडजस्टमेंट्स हो गए हैं, आई हैव डन विद 5 एडजस्टमेंट्स, बहुत इजी थे पांचों के पांच, छठे पे आएंगे। अरे यार इस बार थोड़ी मेहनत करवाएगा। हाँ चलिए करते हैं मेहनत। हमें कहा गया है छठे एडजस्टमेंट्स में डेटर्स पे बैड डेट भी लिखो 1,000 रुपए का, बैड डेट रिजर्व भी बनाओ और डिस्काउंट रिजर्व भी बनाओ, ये कुछ नया आया है, चलिए करेंगे, मजा आएगी। तो चलिए पहले ढूंढते हैं हमारी बुक में डेटर्स कितने हैं भैया, डेटर्स दिख जा। अच्छा इन लोगों ने कस्टमर्स लिखा है, एक ही बात है भैया, खाली हमें परेशान करना है इन्हें। चलिए सो हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास डेटर्स कितने हैं भैया, आप डेटर्स मत लिखना, बुक में जो कस्टमर लिखा है वही लिखना, गड़बड़ी मत करना। सो हम लिखेंगे यहाँ पे कस्टमर्स ही। सो हमारे पास कस्टमर्स है टोटल 29,000 के, इसमें से हमारा बैड डेट हो गया कितना हो गया भैया? 1,000। सो हमारे पास बचे 28,000, इसमें से हमें बनाना है बैड डेट रिजर्व कितना परसेंट बनाना है? 5%, जो हो गया 1,400। सो नेट हमारे पास बचेंगे 26,600, उसमें से हमें बनाना है डिस्काउंट रिजर्व। डिस्काउंट रिजर्व कितना बनाना है भैया? टका बता डिस्काउंट रिजर्व का 2%, तो 2% हो जाता है 266 × 2, दैट इज 532 रुपये। सो 532 का डिस्काउंट रिजर्व बना और नेट अमाउंट बाहर आ गया 26068 का, 26068 का बाहर आ गया है आपका नेट अमाउंट, आपका नेट अमाउंट बाहर आ गया है। बच्चा लोग डोंट वरी, मुझे पता है आपको इसको जूम करके देखने की इच्छा हो रही कि सर आपने क्या लिखा है, थोड़ा अच्छे से दिखा दो। लो भैया आपने सोचा आपके लिए हाजिर है, मैं थोड़ा सा इस तरफ हो गया हूँ, देख लीजिए अमाउंट टोटल 29,000 था, 29,000 में से हमने 1,000 सबसे पहले माइनस किया बैड डेट, बचा 28,000, उस पे हमने बनाया 5% बैड डेट रिजर्व, जो कि हो गया 1,400 रुपीज। सो बच गया 26,600, उसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट रिजर्व 2%, तो 266 का डबल दैट इज 532, नेट अमाउंट हमारा बाहर आ गया 26068। और इसके साथ साथ हमारा बैलेंस शीट का काम पूरा हुआ, बट अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि हमारा सारा काम पूरा हो गया, हमारा सिर्फ बैलेंस शीट का काम पूरा हुआ है, हमें अभी तक पीएनएल अकाउंट की एंट्री देना बाकी है। तो चलिए पीएनएल अकाउंट की एंट्री देंगे हम, पीएनएल अकाउंट की एंट्री पे ध्यान देंगे बच्चा। पीएनएल अकाउंट में मैंने कहा था जब भी ऐसा कुछ आए तो हम लिखते हैं ओ नो, क्या लिखेंगे भैया हम? ओ नो। चलिए स्टार्ट करेंगे, ये रहा मेरा पीएनएल अकाउंट, तो यहां मैं लिखूंगा बेड डेट ओल्ड प्लस बेड डेट न्यू प्लस बेड डेट रिजर्व न्यू एंड माइनस बेड डेट रिजर्व ओल्ड। चलिए हमें पता है न्यू वाला बेड डेट था हमारा 1,000, न्यू वाला रिजर्व था हमारा 1,400, पुराना बेड डेट हमें बुक में दे रखा है 400 और पुराना बेड डेट रिजर्व हमें दे रखा है 2,000। तो चलिए प्लस करते हैं इसको, 1,000 प्लस 400 1,400 प्लस 1,400 2,800 माइनस 2,000, तो नेट बाहर आ जाएगा 800। तो बेड डेट का काम हो गया, डिस्काउंट रिजर्व को चुपचाप डिस्काउंट में प्लस कर दो। डिस्काउंट अलाउड कितना दिया हुआ है भैया? डिस्काउंट अलाउड हमें दिया हुआ है 1,400। चलिए सो डिस्काउंट अलाउड 1,400 है, उसमें इस साल जो हमने डिस्काउंट रिजर्व बनाया है न्यू वाला वो प्लस होता है, और अगर डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड हमारे पास है तो वो माइनस हो जाएगा। सो न्यू वाला रिजर्व है हमारा 532 का, ओल्ड रिजर्व दिया हुआ ही नहीं है भैया, तो कर दो डैश। सो नेट अमाउंट बाहर आ जाएगी 1,932, राइट बच्चा? इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, एग्जाम में 100% पूछेंगे, मैं 99.99 भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 100% पूछेंगे, ये उनका फेवरेट है, हर स्कूल टीचर को पता नहीं, इस एडजस्टमेंट्स में अलग ही मजा आती है, तो ये एडजस्टमेंट कंपलसरीली आपके स्कूल में पूछने वाले हैं, मेक श्योर। चलिए ये था मेरा सबसे बड़ा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 6। इसके बाद वाले तो मुझे बच्चों जैसे लग रहे हैं, फिर भी करेंगे। प्रोवाइड 10% ऑन मोटर कार, आई हेट दिस डेप्रिसिएशन थिंग मैन,
थक गया हूँ डेप्रिसिएशन लगा लगा के, सर हमको आ गया समझ में, आगे बढ़ो कुछ नया सिखाओ। चलिए फिर भी करेंगे, हमें दे रखा है मोटर कार कितना है क्वेश्चन में, मोटर कार, मोटर कार है 52,000, उस पर हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन 10%, 5,200, नेट अमाउंट बाहर आ जाएगी 46,800। ये डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, पीएनएल में आ जाएगा डेप्री ऑन मोटर कार, कितना है भैया 5,200। इसके साथ साथ मेरा एडजस्टमेंट नंबर 7 खत्म हुआ, एडजस्टमेंट नंबर 7 खत्म। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है बट ऑप्शन नहीं है, एडजस्टमेंट 2 और बाकी खत्म करके ही दम लेंगे। चलिए एडजस्टमेंट नंबर 8, गुड्स वर्थ ₹2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी, एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹800। हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हुए 2,000 के, सॉरी 80%, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 80% का, मतलब ₹1,600 का क्लेम एक्सेप्ट किया, 2,000 के गुड्स गए। गुड्स जाते तो हम क्या करते हैं भैया, हम करते हैं परचेज में से लेस। तो चलिए भैया परचेजेस कितने हैं, परचेजेस ढूंढ के उसमें से लेस कर दो जितने हमारे गुड्स गए हैं। हमारे गुड्स गए हैं 2,000 के, तो चलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले लिखूंगा मेरा परचेजेस। परचेजेस कितना है भैया, मेरा क्वेश्चन बता दे, परचेज कितना है, परचेज है 1,30,800। उसमें से जो गुड्स जल रहे हैं, जो गुड्स जल जाते हैं उन्हें माइनस कर दो। कितने के गुड्स जल गए हैं भैया, हमारे गुड्स जल गए हैं 2,000 के, उसे हम लेस कर देंगे। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी कितना देने वाली है, 1,600, मतलब ₹400 का आपको लॉस हो गया। सो भैया ₹400 का लॉस हम लिखने वाले हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर। सो यहाँ हम लिख देंगे हमें लॉस हो गया ₹400 का, और जो बाकी 1,600 है भैया वो तो इंश्योरेंस कंपनी से लेना है हमें। सो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए डेटर हो जाएगी, तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिख दो, नाम नहीं दिया तो खाली इंश्योरेंस कंपनी लिख के छोड़ दो। इंश्योरेंस कंपनी मैं तुमसे 1,600 मांगता हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए एसेट हो, इसलिए बैलेंस शीट में मैंने एसेट साइड में लिखा है। देखो यहाँ पे एसेट में मैंने लिखा है इंश्योरेंस कंपनी ₹1,600, मैं आपसे 1,600 मांगता हूँ। राइट, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट था, 2,000 का स्टॉक था जल गया तो परचेज में से माइनस, 1,600 कंपनी देगी तो इंश्योरेंस कंपनी एसेट डेटर बन गई है, और 400 हमारा नुकसान हो गया पीएनएल में डेबिट। इसके साथ मेरा 8वां एडजस्टमेंट हो गया, आखिरी एडजस्टमेंट बचा है, मेहनत लगाए रखी है। 10% कमीशन इज पेबल टू जस्ट फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट। ये थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आप अभी नहीं कर सकते हो, ये एडजस्टमेंट्स करने के लिए आपको पहले बाकी सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, वो नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करोगे अप्रोप्रिएशन में, फिर अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट निकाल के आपको वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं डायरेक्टली आता हूँ इस एडजस्टमेंट के ऊपर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख के दे रहा हूँ। देखिए अप्रोप्रिएशन में आपका नेट प्रॉफिट आने वाला है, जो कि मुझे पता है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आपको नेट प्रॉफिट मिलने वाला है 40248। आप सॉल्व करोगे आराम से, आप आराम से सॉल्व करोगे, मेरे पास टाइम कम है, आपके पास खूब है। राइट, सो चलिए नेट प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि आ गया था 400 और 200, टोटल बाहर आ गया हमारा 600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता है, अब आपको इतना बैलेंस करना है, इसका आंसर निकालना है। तो मतलब आप क्या करोगे, क्रेडिट वाले आइटम को प्लस करोगे, दैट इज 40,248 प्लस 600, मतलब हो जाएगा 40,848। उसमें से आप 4,500 माइनस करोगे तो आपको मिलने वाला है 36,348। ठीक है भैया, अब इस पे आपको कमीशन देना है 10% आफ्टर चार्जिंग, सो इंटू 10/110, तो आपका आंसर आएगा 3304। ये हो गया आपका कमीशन, ये कमीशन आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज कमीशन टू मिस्टर जश, जश को हम कमीशन देंगे 3304, और उसका वर्किंग मैंने यहाँ पे आपके लिए करके रखा है। वो कमीशन कैसे लाया हूँ, उसका वर्किंग मैंने किया है क्या करने का, बाकी सारी एंट्री कर डालो, ये सबसे लास्ट में करना, ये एडजस्टमेंट जब पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाए, पूरा पीएनएल अकाउंट बन जाए, पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट लिखिए, आप उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कीजिए अप्रोप्रिएशन में, फिर ड्रॉइंग्स प्लस करिए, कैपिटल माइनस करिए, जो अमाउंट आएगी कैलकुलेटर पे उसको इंटू 10/110 करोगे तो आपको मिलेगा जश का कमीशन 110। इसलिए किया क्योंकि इन लोगों ने कहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, 11th में मैंने पढ़ाया था आपको, बिफोर चार्जिंग होगा तो डिवाइड बाय 100 होगा, आफ्टर चार्जिंग होगा तो डिवाइड बाय 110 होगा, और मैंने आपको लॉजिक भी इसका समझाया था। नहीं याद है तो भैया फिलहाल जाने तो बहुत लेट हो गया है, तो आप फिलहाल के लिए समझ लेना, जब भी कहा जाएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो भी नेट अमाउंट आएगा उसका इंटू 10/110 करना, मैंने आपको वर्किंग बना के रखा है, और इसके साथ आपका सम खत्म हो गया है। राइट बच्चा, सो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। आई होप ऑनेस्टली इलस्ट्रेशन सारे के सारे इजी थे एडजस्टमेंट्स, एक एडजस्टमेंट को छोड़ के जो लास्ट वाला था, बाकी सारे लल्लू थे।
अच्छे से कर लीजिए, फिर भी नहीं आया हूं, आपके भाई आपके लिए तैयार बैठा है। भैया कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिए, मैं अगले दिन आपके लिए वीडियो लेके यहाँ पे हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा।